दोस्तों अगर आप न्यू मोबाइल फोन्स लेने की सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 10,000 रेंज के टॉप 5 मोबाइल फोन्स के बारे में बताने वाला हूँ और ये वो मोबाइल फोन्स हैं जो 2018 के अंदर सबसे ज्यादा खरीदे जा रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर प्रतीक सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बेटर ट्रिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमारी लिस्ट में जो पहला मोबाइल फोन है वो है 10 और ई। यह मोबाइल आपको ब्लैक एंड गोल्डन कलर में मिल जाएगा। अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको 5.5 इंच फुल HD IPS 2.D IPS 2.5D कर्व डिस्प्ले विद गोरिल्ला ग्लासेस 3 प्रोटेक्शन के साथ आपको मिल जाएगा। अगर हम इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो इसमें आपको प्योर एंड्रॉइड V7.1.2 नॉगेट ऑपरेटिंग सिस्टम विद 1.4 GHz क्वालकॉम स्नैपड्रैगन कोर प्रोसेसर के साथ आपको मिलेगा। अगर हम इसके मेमोरी की बात करें तो इसमें आपको 3GB रैम विथ 32GB इंटरनल मेमोरी एक्सपेंडेबल अप टू 128GB तक मिल जाएगा। अगर हम इसकी बैटरी की बात करें तो इसमें आपको 4000mAh लिथियम बैटरी मिल जाएगी। और अगर हम इसके कैमरा की बात करें तो इसमें आपको 13MP प्राइमरी कैमरा विथ LED फ्लैश CMOS सेंसर एंड PDAP के साथ मिलेगा। और अगर फ्रंट कैमरा की बात करें तो आपको 5MP फ्रंट फेसिंग कैमरा विथ फ्लैश के साथ मिलेगा। और ज्यादा जानकारी के लिए आप इसके फीचर्स देख सकते हैं। इनमें आपको इसमें डुअल नैनो 4G सिम विथ डुअल स्टैंडबाय फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ मिल जाएगा। और साथ में ही आपको 1 ईयर मैन्युफैक्चर वारंटी फॉर डिवाइसेस एंड 6 मंथ मैन्युफैक्चर वारंटी फॉर इनबॉक्स एसेसरीज इंक्लूडिंग बैटरीज फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। और जिस दिन आप इसको परचेज करते हैं उसके 1 साल तक आपको मोबाइल फोन के लिए वारंटी मिलेगी और 6 मंथ तक मैन्युफैक्चर वारंटी मिलेगी एसेसरीज में इंक्लूडिंग बैटरीज। और ये OTG सपोर्टेड है, इम्प्रूव कैमरा ट्यूनिंग है। और दोस्तों इस लिस्ट में जो दूसरा मोबाइल फोन है वो है रेडमी नोट 4। इसमें भी आपको ब्लैक एंड गोल्डन कॉम्बिनेशन में आपको ये मिल जाएगा। दोस्तों ये मोबाइल फोन बहुत ही गजब का है, ये जब से लॉन्च हुआ है तब से ये टॉप पर ही चल रहा है। तो सबसे पहले हम इसका लुक देख लेते हैं, लुक वाइज इसको। इसका लुक बहुत ही शानदार है, ये अपने लुक के लिए और अपने फीचर्स के लिए जाना जाता है। अब आप इसको बैक से भी देख सकते हैं कि बहुत ही शानदार गजब का फीचर्स है इसमें। और अब आप इसकी टेक्निकल डिटेल्स देख सकते हैं पूरी। इसमें आपको 13MP प्राइमरी कैमरा विथ 5 एलिमेंट लेंस FY2.0 अपर्चर PDAP सपोर्टेड एंड 5MP फ्रंट फेसिंग कैमरा मिलेगा। और अगर हम इसके डिस्प्ले की बात करते हैं तो इसमें आपको 5.5 इंच का डिस्प्ले मिलेगा। अगर हम इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो इसमें आपको एंड्रॉइड मार्शमेलो 6.0.1 ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा विथ 2.0 GHz क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 625 ओक्टा कोर प्रोसेसर के साथ। और इसमें आपको एड्रेनो 506 का GPU मिलेगा। और अगर हम इसके मेमोरी की बात करें तो इसमें आपको 4GB रैम विथ 64GB इंटरनल मेमोरी एक्सपेंडेबल अप टू 128GB एंड डुअल सिम डुअल स्टैंडबाय मिलेगा। और इसके अगर हम बैटरी की बात करें तो इसकी बैटरी 4100mAh लिथियम पॉलीमर बैटरी आपको इसमें मिलेगी। और बाकी चीजें आप इस टेक्निकल डिटेल में देख ही सकते हैं। और यह मोबाइल फोन आपको 10,999 रुपए में मिल जाएगा। अगर आप यह मोबाइल फोन खरीदना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे रखी है, आप वहां पर जाकर इसको चेक कर सकते हैं। और अब हमारी लिस्ट में जो अगला मोबाइल फोन है वो है लेनोवो का K8 नोट। यह मोबाइल फोन फीचर्स वाइज बहुत ही बेहतरीन मोबाइल फोन है। तो अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें बहुत ही बेहतरीन फीचर्स मिलने वाले हैं। इसमें आपको 13+5MP डुअल बैक कैमरा एंड 13MP फ्रंट फेसिंग कैमरा विद पार्टी फ्लैश के साथ मिल जाएगा। अगर हम इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो इसमें आपको एंड्रॉइड V7.1.1 नॉगट ऑपरेटिंग सिस्टम विद 2.3 GHz हेलियो X23 10 कोर प्रोसेसर के साथ मिल जाएगा। अगर हम इसके डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 5.5 इंच फुल HD IPS डिस्प्ले विद गोरिल्ला ग्लासेस प्रोटेक्शन के साथ मिल जाएगा। अगर हम इसकी मेमोरी की बात करें इसमें आपको 3GB रैम एंड 32GB इंटरनल मेमोरी एक्सपेंडेबल अप टू 128GB तक है। अगर हम इसके सिम स्लॉट की बात करें तो इसमें आपको डुअल नैनो सिम विद डुअल स्टैंडबाय मिलेगा। और अगर हम इसकी बैटरी की बात करें तो इसमें आपको 4000mAh बैटरी विद 15W टर्बो चार्जिंग के साथ मिल जाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए आप इसकी टेक्निकल डिटेल्स देख सकते हैं। और अब हम अगर इसकी कॉस्ट की बात करें तो यह मोबाइल फोन आपको 10,640 रुपए में मिल जाएगा। अगर आप यह मोबाइल फोन खरीदना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं। सच बता रहा हूं दोस्त, अगर आप 10,000 के आसपास का मोबाइल फोन खरीदना चाहते हैं तो यह मोबाइल फोन आपके लिए बेस्ट है। और दोस्तों इस लिस्ट में जो 4th नंबर का मोबाइल फोन है
वो है लेनोवो का Z2 प्लस। यह मोबाइल फोन भी लुक वाइज काफी बेहतरीन है और इसमें फीचर्स भी काफी अच्छे आपको मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसका फीचर्स देख लेते हैं। इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 820 4 कस्टम कार्यो कोर्स 2.15 गीगाहर्ट्ज 14nm फिन FET प्रोसेस मिलेगा। प्लस हम इसके अगर मेमोरी की बात करें तो इसमें आपको 3GB DDR4 रैम, 32GB स्मार्ट SLC इंटरनल मेमोरी, डुअल सिम नैनो प्लस नैनो वोल्ट एंड 4G मिल जाएगा। इसमें एंड्रॉइड V6.0.1 विद गूगल नाउ लॉन्चर। तो इसमें अगर हम इसकी बैटरी की बात करें तो इसमें आपको 3500 mAh हाई डेंसिटी लाई ऑयन बैटरी मिल जाएगी। अगर हम इसकी कैमरा की बात करें तो इसमें आपको 13 MP लार्ज पिक्सल प्राइमरी कैमरा विद हाइब्रिड ऑटो फोकस PDF एंड CAF के साथ मिल जाएगा। 4K वीडियो रिकॉर्डिंग, स्लो मोशन कैप्चर, टाइम लैप्स, लाइव फिल्टर, ऑटो HDR, 8 MP फ्रंट फेसिंग कैमरा विद लार्ज पिक्सल के साथ आपको मिल जाएगा। इसका जो डिस्प्ले है वो 5 इंच LTPS LCD कैपेसिटिव टच स्क्रीन विद LTPS LCD कैपेसिटिव टच स्क्रीन का डिस्प्ले आपको मिल जाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए आप इसकी टेक्निकल डिटेल चेक कर सकते हैं। यह मोबाइल फोन थोड़ा सा महंगा है, यह आपको 11,400 रुपए में मिल जाएगा। अगर आप यह मोबाइल फोन खरीदना चाहते हैं तो इसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी हुई है, आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं। और दोस्तों इस लिस्ट में जो लास्ट मोबाइल फोन है वो है पैनासोनिक इलुगा A4 विद 5.2 इंच डिस्प्ले। एंड अगर हम इसकी बैटरी की बात करेंगे तो इसकी बैटरी बैकअप बहुत शानदार है, इसमें आपको 5000 mAh बैटरी मिलेगी। तो सबसे पहले आप इसका लुक वाइज देख लीजिए, ये लुक वाइज बहुत ही बेहतरीन है। इसमें आपको 13 MP प्राइमरी कैमरा एंड 5 MP फ्रंट फेसिंग कैमरा मिलेगा, 5.2 इंच का डिस्प्ले विद IPS एंड 2.5D कप कैपेसिटिव टच स्क्रीन। एंड अगर हम इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो इसमें आपको एंड्रॉइड V7.0 नॉगेट ऑपरेटिंग सिस्टम विद 1.25 GHz MT6737M क्वाड कोर प्रोसेसर के साथ मिल जाएगा। और इसका जो GPU है वो है ARM Mali T720 का GPU है। अगर हम इसकी मेमोरी की बात करेंगे तो इसमें आपको 3GB RAM प्लस 32GB इंटरनल मेमोरी एक्सपेंडेबल अप टू 128GB एंड डुअल सिम डुअल स्टैंड बाई के साथ मिल जाएगा। और इसका बैटरी बैकअप मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसमें आपको 5000 mAh लिथियम पॉलीमर बैटरी मिलेगी, प्लस 1 ईयर मैनुफेक्चर वारंटी फॉर डिवाइसेस एंड 6 मंथ मैनुफेक्चर वारंटी फॉर इनबॉक्स एसेसरीज इंक्लूडिंग बैटरीज फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। मतलब जिस दिन आप इसको परचेज करते हैं उसके 1 साल तक के लिए इस मोबाइल फोन में आपको वारंटी मिलेगी और 6 मंथ तक एसेसरीज में आपको वारंटी मिलेगी। और दोस्तों अगर हम इसकी कॉस्ट की बात करें तो यह मोबाइल फोन भी काफी सस्ता है, यह आपको 8,160 रुपए में मिल जाएगा। अगर आप यह मोबाइल फोन खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक देकर रखी हुई है, आप वहां पर जाकर खरीद सकते हैं। और दोस्तों जैसा कि आपने देखा इन सारे मोबाइल फोन्स की कुछ न कुछ खासियत जरूर थी, और शुरू के जो मैंने 2 से 3 मोबाइल फोन्स बताए वो आपके लिए काफी बेहतरीन है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप 10,000 के रेंज का मोबाइल फोन खरीदना चाहते हैं तो जो मैंने इन मोबाइल फोन्स को बताए हैं इनमें से जो शुरू के 2 से 3 मोबाइल फोन्स थे उनमें से ही कोई आप एक खरीदें। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आई थिंक आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एक नई वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।